नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ के ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम, आज की वीडियो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। जी हां, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मिथुन राशि वर्ष 2022 की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। जी हां, आज मैं मिथुन राशि की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने जा रहा हूं वर्ष 2022 की, जो कि आपके जीवन में सत्य और सच होने वाली है। आपकी राशि के, आपके चंद्रमा के अनुसार आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी दोस्तों मिथुन राशि के ऊपर, वर्ष 2022 कैसा होगा, क्या बदलाव लेकर आएगा, कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा रहेगा, क्या परिवर्तन आएगा। लेकिन आज जो 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं, ये आपकी राशि के अनुसार एकदम सत्य है, जो कि ग्रह गोचर के अनुसार दिखाई दे रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है जानिएगा, और इसके साथ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या उपाय, क्या अचूक उपाय आपको करने चाहिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, ग्रहों का काफी इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन, क्योंकि स्वयं हम भी एक ग्रह पर ही रहते हैं, पृथ्वी पर, और सारे ग्रह अपने गति के अनुसार भ्रमण करते हैं, गोचर करते हैं। आपने देखा होगा कभी हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, कभी हमारे साथ अच्छा नहीं होता, कभी हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, कभी अच्छा नहीं जाता, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी दुख होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे साथ में चलता रहता है ग्रह गोचर के अनुसार, क्योंकि सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं। ऐसे ही वर्ष 2022 में 3 बड़े ग्रह गोचर करेंगे, जो काफी लंबे समय के बाद करते हैं। राहु देव वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे 12 अप्रैल को, और अगले दिन 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से अपनी स्वय राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि से निकल जाएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और आपकी मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर, शनि की ढैया के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है चैनल पर जाके, काफी सारी देखिएगा जरूर आप शनि की ढैया के ऊपर वीडियो। चलिए अभी करते हैं शुरुआत, कौन सी है वो 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो सच होने वाली है आपकी राशि के अनुसार। सबसे पहली और प्रथम भविष्यवाणी यह है कि 12 अप्रैल को राहु देव आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु होंगे आपके 5th हाउस में। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, अगर इन सब चीजों में अगर आप पैसा लगाते हैं या इनमें आप इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। वो क्यों, इसका कारण और इसके योगों के बारे में भी आप समझिए। राहु देव 17-18 साल बाद आपके 11th हाउस में आए हैं, और राहु देव 11th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं, 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या जो भी चीजों में आप इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर आपको रिटर्न बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी भविष्यवाणी यह है, वर्ष 2022 में अगर आप किसी लव रिलेशन में है, किसी भी लव रिलेशन में अगर मिथुन राशि वाले हैं, तो आपको संभल कर चलना होगा, खासकर अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में। वो क्यों, 5th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, 5th हाउस में केतु बैठे होंगे आपकी राशि से, और केतु 5th हाउस में डिसेटिस्फेक्शन देंगे, यानी कि अपने ही लव रिलेशन में आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, बिना वजह की कंफ्यूजन हो सकती है, बिना वजह के डाउट्स हो सकते हैं, या तो फिर छोटी छोटी चीजों में आर्ग्यूमेंट होना और ब्रेकअप होने तक की संभावनाएं भी मुझे दिखाई दे रही हैं अप्रैल के बाद से, वहां पे विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, 10th हाउस में देवगुरु। जी हां, 10th हाउस में देवगुरु होंगे आपके, कब से, 13 अप्रैल से हंस नाम का राजयोग बनाएंगे। 10th हाउस होता है करियर का, तो जब देवगुरु 10th हाउस में आएंगे, तो जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति अपने करियर को लेकर परेशान थे, ये 100% मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 100% बता रहा हूं, जो अपने करियर को लेकर परेशान थे, अप्रैल के बाद से वो परेशानी समाप्त हो जाएगी आपकी। या तो आपको नौकरी मिल जाएगी, या तो प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं, या फिर आपके
जॉब में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां धीरे धीरे चलकर सॉल्व हो जाएंगी। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, जो आपका नेम को डिफेम कर रहे थे आपके करियर में, वो परेशानी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि 10th हाउस में एक बहुत बड़ा राजयोग आपके बनने जा रहा है अप्रैल से। तो करियर को लेकर एक बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा अप्रैल के बाद से। चौथी भविष्यवाणी यह है कि शनि आपके 9th हाउस में है, शनि देव आपके 9th हाउस में चले जाएंगे 29 अप्रैल से, शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी, जो एंग्जाइटी आपको बनी हुई थी, जो स्ट्रेस आपको बना हुआ था, वो समाप्त हो जाएगा। भाग्य में उन्नति देखने को मिलेगी, भाग्य में तरक्की होगी, वृद्धि होगी आपके भाग्य में, क्योंकि 9th हाउस भी स्ट्रांग है और 10th हाउस भी स्ट्रांग है। जब दोनों हाउसेस स्ट्रांग है, 9th हाउस और 10th हाउस, तो भाग्य में वृद्धि होगी तो करियर में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और आपके फादर, आपके जो फादर हैं, उनका कोई व्यापार है, उनका कोई बिजनेस है, वो भी अच्छा देखा जाएगा वर्ष 2022 में अप्रैल के बाद से। पांचवी दोस्तों, राहु की दृष्टि आपके 7th हाउस में है और 3rd हाउस में भी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं वर्ष 2022 में आपको भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है वर्ष 2022 में, जितना मेहनत करेंगे उतना ही चमक, उतना ही नाम आपका देखा जाएगा। बस यह है कि मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है, और फील्ड का काम आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। मार्केटिंग में है, फील्ड में है, वो काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7th हाउस पे राहु की दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन पे भी ध्यान रखना है। छठी और आखिरी भविष्यवाणी दोस्तों ये है कि जो व्यक्ति, जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति, अगर फॉरेन की प्लानिंग कर रहे थे, फॉरेन जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो आपके लिए वर्ष 2022 अच्छा है। फॉरेन ट्रेवल के योग आपके दिखाई दे रहे हैं, और जो खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो रहे थे किसी भी चीजों में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, फैमिली में, कहीं पर भी, वो खर्चों पर अब कंट्रोल होगा। सेविंग्स थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी वर्ष 2022 में। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है, जैसा मुझे दिखता है वैसा ही एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। क्या अचूक उपाय आपको करने चाहिए? सबसे पहले तो रोजाना गणेश भगवान जी की आपको पूजा आरती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राशि के मालिक हैं बुध। और दूसरा दोस्तों, शनि देव के बीज मंत्र आपको जरूर करने चाहिए, ओम प्राम प्रेम प्रोम स शनिश्चराय नमः, और सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप आप जरूर करें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।